अभी मैं थाईलैंड में हूँ और ये हार्ट पॉइंट ऑफ थाईलैंड बैंकॉक है, और बैंकॉक में जहाँ राजा का महल है उसमें चल रहे हैं। राजा यहाँ रहा करते थे, पूरे 10 राजा हैं। शुरुआत में इसको बनाया था, इसका नाम रामा फर्स्ट था, उसने बनाना शुरू किया था, और 1932 के आसपास तक राजा इसमें रहते थे। सारी जो उनकी कार्रवाई यहीं हुआ करते थे, और पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। थाईलैंड की ये जो है ग्रैंड पैलेस बोलते हैं इसको, रॉयल पैलेस बोलते हैं, यहाँ जरूर आते हैं। तो यहाँ से बाहर से हमने वहाँ से एंट्री किया है, और देर वर फॉर्मेलिटीज़ कि हमें कुछ वो स्टिकर, ऐसे स्टिकर भी हैं लगाने के लिए, सीरीज ऐसा कुछ लगाया, और उसके बाद वहाँ प्रोसेस से गुजरना पड़ा सिक्योरिटी से, और उसके बाद वी केम इनसाइड। ये इस तरफ आए हैं और अभी चलते हैं इसके अंदर। हाँ राजा, हेलो भाई, आई इन बैंकॉक, ग्रेट। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, और हमने इंडिया के तो महल देखे हैं, अभी थाईलैंड का महल देख लेते हैं कैसा महल है। आप भी देखो ज़रा, यहाँ के लोग बड़े पोलाइट हैं, राजा कैसा होगा पता नहीं। राम राम भाई, एंड किस तरफ से एंट्री करना पड़ेगा, मे बी दिस साइड वी विल एंटर, एंट्रेंस इस तरफ ही है, दिस साइड। एंड पर्सनल ऑडियो गाइड कुछ लेना चाहे तो वो इंग्लिश रशियन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ लिया है सारा कुछ यहाँ, वो मेरे पास टाइम भी नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई विक्रांत भाई, गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग भाई, हाँ ओ बिंदा जाट भाई, राम राम। अभी देखो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं, इसके अंदर से ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ महलों का ये खास है जी, इस तरह चोंच निकली होती है इधर उधर ना, एक तो झोपड़ी नुमा होते हैं और ऊपर से चोंच निकली होती है साइड से। ये गोल्डन प्लेस है, कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया वगैरह ये सब बना हुआ है। अभी यहाँ से भी सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरते हैं, और यहाँ साइड की बिल्डिंग तो ऐसी है, इनके अलग डिजाइन भैया, अपने इंडिया के अलग डिजाइन हैं। और यहाँ जो स्टोन्स लगे हुए ना, दैट टाइप स्टोन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग। ऐसे ऐसे ये पत्थर लगा रखे इसमें, छेद भी हैं इनसाइड। और यहाँ टिकट्स, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट, ओके। वो टिकट तो मैंने लिया ही नहीं तेरी तो, कितना टाइम यहाँ भाई, सब एक हो गया। टिकट लेना ज़रूरी था, मैं तो सोचा कैसे होगा, 12 साल गुजारे, क्यों भाई आप रंज आए क्या भाई, नाम ले लो। हाँ शिवम सोनी भाई, आई टुक योर नेम एंड शेयर दिस वीडियो, मैंने वो तो लिया ही नहीं भाई, टिकट लेना है। वहाँ का टेम्परेचर भाई बूंदाबांदी हो रही है, बारिश अभी थोड़ी बारिश होकर रुकी है, लेकिन भैया कितनी बारिश, देखो पानी भरा नालियों के अंदर, कितनी बारिश हो जाओ, यहाँ रात भर बारिश हुई है और मेरे को तो पानी दिखाई नहीं दे कहीं भी। अभी मैं यहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल दिखाता हूँ, आई यूज माई कार्ड, और कार्ड का भैया मजा आ गया, बट वो दैट साइड, ओह थैंक यू, या वन थिंग, आई एम फ्रॉम इंडिया, सो व्हाट इज योर नेम, योर नेम आर टू मच इंटरेस्टिंग देन योर कंट्री, सो व्हाट इज योर नेम, व्हाट, ओके ओके, नेम प्लीज, साई, ग्रेट नेम, यू योर पीपल नाइन, नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, थैंक यू सर, व्हाट इज योर नेम प्लीज, नेम, ड्यू, वेरी ग्रेट सर, थैंक यू। इन लोगों के नाम बड़े अजीब हैं, मेरा नाम लो भाई आसिफ खान भाई, इनका नाम सुन लो ना, तेरा ध्यान किधर है, टिकट ले ले, हाँ भाई टिकट ले लिया, आई हैव टिकट, टिकट, और कार्ड ने ग्रेट काम किया, देखो कार्ड ना खूब चल रहा है यहाँ पे, जहाँ भी मैंने बस में बैठ के आया था तो मैंने कार्ड दिया झटाक से, कैशलेस एंट्री है, गजब है। अभी चलते हैं इसके अंदर, दिल्ली में तो गर्मी है,
यहाँ बड़ा अच्छा मौसम। देखो अब बूंदाबांदी शायद दिख रही है, कुछ बूंदाबांदी यहाँ से देखो नज़र आएगी, देखिए ना बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा मौसम है यहाँ का, मज़े आते हैं। अभी एंट्री करते हैं, 500 बाट लगे हैं मेरे, 500 बाट बोले तो लगभग 1300-1200 रुपये लग गए इसमें एंट्री करने के लिए। फॉरनर का इंडिया में इतना होता है भाई, कोई फॉरनर आता है तो वहाँ भी इतना होता है। और ये एंट्री के लिए यहाँ वो स्कैन है, थैंक यू। एंड वी एंटर्ड फ्रॉम गेट, ये देखो ये ग्रैंड पैलेस में एंट्री किया हमने। और एंट्री करते हैं, एक ओंकार बंदा खड़ा हुआ है यहाँ, और इनका डिजाइन देखेंगे तो स्टोन्स ऐसे लगा रखे, छोटे छोटे स्टोन्स इस पे चिपका रखे हैं। ये देखो जी रॉयल ग्रैंड पैलेस बोलते हैं इसको। टिकट कितना, टिकट भाई 1200-1500 का है, 2.4 लगभग रेट है इंडिया के हिसाब से। वो देखो जी वहाँ, अभी वहाँ भी चल के देखेंगे। ग्रेट है, यहाँ देखो ये भी चलते हैं इस तरह, किंग पैलेस। वाह जी वाह, बिल्कुल ना शीशे लगा के ना चकमक कर रखा, बिल्कुल टकाटक यहाँ। और देखो वो जैसे घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद आप लोगों को, टन टन जैसे घंटी बज रही है, ये इनकी आवाज़ आ रही है। और अंदर घुसते ऐसा भी दिखेगा, ग्रेट जबरदस्त व्यू है। और ये तो क्या बना रखा भाई, शुद्ध अंदर जाना वही है जैसे इंडिया में होता ना, वैसे बंद कर रखा, मना कर रखा इसके अंदर जाना भी, बट हम तो घुसेंगे इसमें भी मेरे को पुलिस पकड़ ली यहाँ की, चलो यहीं से। सोने का तो नहीं है भाई, छू के देख सकते हैं, सोने का तो नहीं है। देखो नोट मेड भाई गोल्ड, एंड इसके अंदर का बंद कर रखे हैं, बेली लगा रखे हैं, दूसरे देश में सही नहीं है, ये लोग समझेंगे नहीं, गूगल ट्रांसलेट करेंगे तब तक तो कार्रवाई कर देंगे मेरा चालान फाड़ देंगे। ये देखो जी यहाँ आवाज़ ना चंदन की आवाज़ आ रही है, और ये घंटिया टाइप ना ये बंद लटकी हुई है इसके पत्ता जैसा आकार में, चंदन बज रही है। बुद्ध की यहाँ मूर्ति बनी है, बुद्ध को यहाँ बहुत मानते हैं भाई, ग्रेट। हाँ बहुत से लोग बुद्धिस्ट हैं, ग्रेट भाई जबरदस्त जगह। देखो यार इनकी डिजाइन तो अलग ही है जी, देखो वाह, हाँ इंडिया वाले घुस जाते हैं भाई। ये गजब मेंटेन कर रखा है इसको, ऐसा तो इंडिया में कहीं भी नहीं। घर अच्छा हो बता दिया, नहीं कल हो इस पे दावा ठोक देंगे शिवलिंग भाई। लोग पता नहीं, आप लोग ऐसी बातें मत करो यार किसी भी तरह की, मतलब हम यहाँ घूमने आए तो घूमते रहो, कमेंट फिर आप लोग आपस में, वो उसको मैसेज करेगा, वो उसको मैसेज करेगा। सो प्लीज़ ऐसा ना करो, अपन अभी उस तरफ चलते हैं। ये गजर, अभी ना अपन उस तरफ चलते हैं।
पर मैं वहीं से देखता हूँ क्या है। ये रॉयल पैलेस है भाई, राजा की पूरी फैमिली यहीं पर रहती थी जब राजा ने रहना शुरू किया था। दे स्टार्टेड और उनकी सारी कार्रवाई यहीं पे होती थी, जितनी भी सरकार गवर्नमेंट वगैरह जो उन्होंने बना रखी थी कार्रवाई के लिए। जूते उतारने पड़ेंगे यहाँ तो। अभी देखो जी यहाँ, वाह जी वाह, अभी ये जगह आ गई मेन। मैं तो यहीं जूते उतार देता हूँ, तो कोई उतार तो रखे नहीं किसी ने। प्लीज नोट सिट दिस एरिया। वाह जी आओ अंदर, बहुत मजा, अंदर चलते हैं अभी। ग्रेट, अभी चलते अंदर इसमें, रॉयल ग्रैंड पैलेस। बुद्ध आ गए, यहाँ पे फोटो है। लेट मी गो आउटसाइड। क्योंकि अंदर वीडियो फोटोग्राफी सब मना था और मैं तो ले गया। आप दिखा दिया, इतना बहुत कुछ देखने के लिए। उस पर लिखा हुआ था अंदर मना है। ये देखो जी इस तरफ से, गजब ग्रेट। अब कैमरे के अंदर घुसाते हैं इसमें। वाह जी, हाँ विकास सेवडे नाम ले लिया भाई, वीडियो को शेयर कर दें। हाँ भाई थैंक यू, संजय कुमार भाई देख लो आप भी, ग्रेट है जी। निकल जाते हैं, किसी ने जूते निकालने थे, मैंने उतार दिए यहाँ पे। अभी पहन के जूते, थोड़े से और देख लेते हैं क्या क्या देखने के लिए। ग्रेट, अपना इंडिया तो देखा, अभी यहाँ भी देख लेते हैं। और ग्रेट सचिन भाई, मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, जूते यहाँ उतारने थे और मैं तो वहीं उतार के चले गया। ये है रॉयल ग्रैंड पैलेस भाई, और इस तरफ उनकी सरकार जो लोग रहते थे वो यहाँ बैठते थे, रहते थे इसके अंदर। जो भी कार्रवाई अक्सर जो अपने महलों में होता है वैसा ही हुआ करता था, कि यहाँ सुनवाई होती थी, यहाँ राजा बैठता था, यहाँ प्रजा आती थी, वो सारा। वाह जी ग्रेट जगह है। अब इसमें कुछ और होता है, मेरी फ़्लाइट कहीं छूट ना जाए, उत्तर 1:30 बज गए यहाँ का, 4:30 4:45 जो फ्लाइट है, मेरे को निकलना है कराबी के लिए। सो शेयर दिस वीडियो ऑन योर प्रोफाइल, और जहाँ पर भी आप हैं फेसबुक पेज में, ग्रुप में, सब में शेयर कर दिया करो। और मैं और जगह भी घूमता हूँ, आपको दिखाता हूँ सारा कुछ यहाँ। सो अच्छा लगता है इन जगह पर घूम के, आई होप आप सबको भी अच्छा लगता होगा। नमो बुद्धाय, सी यू वेरी सून नेक्स्ट वीडियो।